ने भी कभी प्यार किया था, वाह वाह, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, वाह वाह, हम तो उसको दिल दे बैठे। उसने कहा अरे यार हमने तो मजाक किया था। अरे तो अभी हम लोग आ गए एडम्स स्कूल और आज है हमारी क्लास और ये हमारी थर्ड क्लास है। अब तक हम दो बार क्लास दे चुके हैं और अभी स्कूल में मैरी क्रिसमस की प्रिपरेशन चल रही है जो कि बच्चों ने बना के रखे हुए हैं। ट्रीज बोलते हैं उनके लिए, तो वो बना के रखे हुए हैं। मेरे को ब्लॉग करना था सुबह से लेकिन क्या हुआ, मैं गुड मॉर्निंग सर, पक्का कैसा लगा आज का क्लास? ये देखो कोरियो आप लोगों के लिए है, ये आप जितना अच्छे से करोगे प्रैक्टिस करोगे देन ये क्लास ओवर हो गई है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहा। तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी ना लाने की वजह से, गाड़ी वहाँ खड़ी है स्कूल पर और हम लोग पैदल आ गए हैं। गाड़ी लेके आना, यही है भाई, यही है भाई। हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। धूप निकल आई, तुमने ज़्यादा कपड़े पहने हुए भाई, कहाँ ज़्यादा है, तुमने हुड पहनी है? मैंने नॉर्मल पहना हुआ है, कोई गर्म ये शर्ट पहने हुए अंदर कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, शर्ट बिल्कुल नहीं पहना, मतलब कॉलर नहीं हो। देखो इनकी गर्म, ये भी गर्म, ये भी गर्म, तो गर्म गर्म इधर मामला ज्यादा है। जा लोगे गाड़ी बहुत देर लेके नहीं, आराम से देखा, ठीक है। तो काफी मजा आया, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और आगे हम लोग की क्लासेस ऐसी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं बच्चों की, कल से छुट्टियां पड़ जाएंगी जो कि 10 दिन की रहेगी। विंटर वेकेशन ना, विंटर वेकेशन नहीं पता, विंटर वेकेशन 10 डेज की पड़ रही है तो बच्चे उसमें निकल जाएंगे। मैं ब्लॉग करना शूट भूल जाता हूँ, मेरे को ना वीडियो अपलोड कर रहा था मैं सुबह, तो मेरे को ब्लॉग शूट करना था पूरा, लेकिन वो मैं अपने काम में इतना फोकस हो गया तो मैंने किया ही नहीं ब्लॉग शूट। तो यस बट कोई नहीं, अभी कर लिया करूँगा। क्या कह रहे हैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना, वो बढ़िया उनकी गर्लफ्रेंड है। पीपी कहाँ है? अच्छा चलो पीपी से चलो। अभी मैं आ गया हूँ स्टेशन और अभी पिछले 4 दिन से डेली अप डाउन कर रहा हूँ बरेली, दहली और बरेली, तो जिससे मैं कॉलेज भी जाता हूँ, एक आध दिन कॉलेज चला जाता हूँ और बाकी मेरी डेली क्लास चल रही है HST में, बरेली वाले स्टूडियो में, तो मैं वहाँ जाता हूँ डेली क्लास देने। 3 वाली ट्रेन से जाता हूँ और फिर शाम को वापस आ जाता हूँ। MST बनवा के गया था तो मैंने शूट नहीं किया MST बनवाई, क्योंकि डेली का 60 रुपये खर्च है और MST बनवा लो तो 270, मतलब अगर हम 5 दिन चले गए तो बराबर, तो इसलिए मैंने MST बनवा ली है। आज ट्रेन अपने टाइम से आधे घंटा लेट है, तो अभी 15 मिनट पहले आ गए स्टेशन पर और बैठेंगे, और मेरे को अभी वीडियो पब्लिश करनी है तो उसका थंबनेल बना रहा। अभी मैं आ गया बरेली, तो बरेली में आया था बटलर प्लाजा, एक भैया मास्क ले, ओ सॉरी मास्क बोल रहा हूँ, भैया अभी एक गिलास लेके गए थे तो वो गिलास ना पापा वाले फ़ोन पर सेट नहीं आया था, भाई नाम भी बताया लेकिन सेट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन तो भैया बोले ग्लास लिया चेंज करा लियो, तो मैंने उसकी जगह अपने ही फ़ोन पे मैंने ग्लास करवा लिया, और वैसे मेरे फ़ोन पे ग्लास नहीं था, वो बननी थी जब नया डिस्प्ले पड़ा था तब की वो बननी थी। हाँ जी, तो अभी मैं स्टूडियो पहुंच गया हूँ और ना स्टूडियो में सही की प्रॉब्लम है, लाइट ख़राब हो रखी है ना, तो अभी बहुत कठिन परिस्थिति में क्लास रन हो रही है, क्योंकि यहाँ लाइट पिछले 1 महीने से नहीं है और क्लासेस बहुत मुश्किल में चल रही है, क्योंकि ये छोटे स्पीकर से तो काम चलता है, ये बहुत कठिन है, समझ ले जाऊँगा। हाँ जी, तो अभी ट्रेन आ गई है और मैं स्टूडियो से क्लास करा के फिर हम लोग गए थे चाय पीने सर के साथ, लेकिन अभी हम लोग स्टेशन पर आ गए और ट्रेन भी आ गई हमारी, तो आज कोहरा नहीं है, अभी लास्ट लास्ट से लास्ट दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था, इधर साइड बैठते हैं भाई, इधर साइड बैठते बहुत कोहरा था, लेकिन आज कोहरा कम है और मुझे ठंडी, तो भाई ठंडी कोई दिक्कत नहीं है,
ठंडी होनी चाहिए, मौसम आ गया क्यों, तभी तो बर्फ गिरेगी हमारे नैनीताल में। क्यों संगम, तभी तो हम कर रहे हैं, तभी तो हम संगम को लेके जाएंगे। पिछली बार भी लेके गए थे और इस बार भी लेके जाएंगे, जरूर जरूर। हाँ तो तभी तो वीडियो शूट करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। और बस बैठ गए, अब क्या ही करेंगे, बातें शादी करेंगे। अगले स्टेशन में हमारा आशीष दोस्त मिलेगा, सिविल इंजीनियर आएगा, आज उसका ब्लॉग बनाऊंगा। हमारा सिविल इंजीनियर दोस्त आएगा तो उससे ही मिलवाऊंगा आज मैं। और क्लास आज का बहुत बढ़िया रहा। और ना मैं रात में सोया था 3:30 बजे काम करके, फिर उसके बाद ना मैं सुबह जल्दी उठ गया 8 बजे के टाइम, उसको निकाल ही देता हूँ। और उसके बाद ना मुझे आना था स्कूल, हम लोग गए थे स्कूल डांस सिखाने, फिर उसके बाद मेरे को आ रही थी नींद। और मैं यहाँ ना जब आ रहा था 3:30 से, तो भाई किधर बैठते मेरे को समझ ही नहीं आता यार, आगे से अरे, और मैं पीछे साइड था, मैं बीच में बैठता हूँ। ये भी आता है 3:30 से, लेकिन हम मिलते कभी नहीं है, सिर्फ जाते हुए मिलते हैं, ऐसे कभी नहीं मिलते कि भाई मिल लें। तो मैं आ रहा था भाई, फिर मेरे को आ रही बहुत तेज नींद, मेरा आज मूड नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कैसा क्लास होगा आज का। लेकिन फिर उसके बाद मैं सो गया, मेरे को सीट मिल गई सही करके, तो मैं सो गया। मैं भोजीपुरा से सिटी तक सोते आया, इतनी देर में मेरी नींद पूरी हो गई, मेरे को मज़ा आ गया। फिर तो उसके बाद आज जो क्लास हुई अब मस्त मज़ा आया। अब कल फिर से आना है, कल एक ऑडिशन लेना है तो आना पड़ेगा मेरे को। आशीष मेरा दोस्त सिविल इंजीनियर, ब्लॉग बना रही है, अब तेरे को फेमस करूँगा। आओ इसी बैठते हैं, आओ आओ इसी बैठते हैं, बहुत जगह आओ मन। कौन आशीष, इधर आ जाओ इधर आशीष, फिर वहीं बैठ रहे हो, हवा लगेगी बहुत बुरी वाली। आगे देख ले रहे हैं कोई है, अरे इधर कोई नहीं आशीष, इधर आ जाओ संगम, इधर आ जाओ कोई नहीं। मेरे दोस्त ठंडी लग रही है, ये है मेरा दोस्त सिविल इंजीनियर आशीष सक्सेना जी जी, और बचपन का दोस्त है ना मेरे, चाइल्ड फ्रेंड है, चाइल्ड अब काय का चाइल्ड चड्डिया दोस्त है, वो चड्डी वड्डी दोस्त थे कौन से होते हैं, लंगोटिया यार, लंगोटिया। लेकिन लंगोटिया तो प्रभात, प्रभात को जानता है, प्रभात प्रशांत सक्सेना को जानता है, नहीं जानता, सक्सेना हो गया सक्सेना को नहीं जानता, कैसा दोस्त है मेरा। गंगवार को गंगवार को जानता है, बिल्कुल संगम से पूछो, संगम हर गंगवार को प्रशांत सक्सेना उसे भी जानता हूँ फेस टू फेस, बड़ा हो गया है ना ये, छोटा नहीं था ये भाई, बहुत जल्दी बड़ा नहीं हो गया, हाँ बहुत छोटा था भाई। अभी अंकल की कहानी हमारे सुन लो, हमारे फेसबुक में डालते हैं अगर फोटो आता होगा, हाँ हम ऐसी ऐसी कहानी दिखाते हैं, अब फेसबुक में फोटो बताओ शकल देख ले और ना आता होगा। हमने भी कभी प्यार किया था, वाह वाह, थोड़ा नहीं फेस मार किया था, वाह वाह, हम तो उसको दिल दे बैठे, उसने कहा अरे यार हमने तो मजाक किया था, अरे अरे सुन पगली तू एक दिन मैसेज भी करेगी, तू केयर भी करेगी एक दिन, सुन पगली तू मैसेज भी करेगी केयर भी करेगी, लेकिन देख लेना एक दिन तुम्हारा हीरो इतना फेमस होगो कि तू फेसबुक पर नहीं बल्कि गूगल पर सर्च करेगी। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए घर और अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 9:30-10 बज रहे होंगे, मैं अभी टाइम नहीं देखा। और आज का दिन काफ़ी भाग भाग भरा रहा, मैं थोड़ी देर सो लिया था तो उससे काफ़ी आराम मिला। और बाकी ट्रेन में आते हुए बहुत मज़े किए हमने, एक अंकल मिल गए थे, वो थोड़े बहुत पिए हुए थे लेकिन सायरी वायरी अच्छी मार रहे थे तो बहुत मज़ा आया। और वैसे भी ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो ये बहुत तेज़ लेके आता है, तो अच्छा खासा टाइम पे पहुंच जाते हैं, 9 बजे छोड़ देते हैं। हम 3-4 लोग आते हैं एक साथ उधर से, तो टाइम का पता नहीं लगता और मज़ा आता है, बातें बातें करते हुए आते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो यस, बाकी ये लोग आगे जब भी मैं आऊंगा कंटिन्यू तो ये लोग आपको व्लॉग्स में दिखते रहेंगे। तो बस आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और लोगों को शेयर करो जाके। आप तो बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग आ रहे हैं और डेली व्लॉग्स आ रहे हैं ना आप देख रहे हो, और बाकी अगर किसी ने पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं दिल्ली वाले तो जाके देखो। तो बस तब तक के लिए बाय बाय टाटा, हम मिलते हैं ऐसे आपसे अगले व्लॉग में।